हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास हमने आपको बताया था इसके बारे में कुछ, तो लगभग लगभग इसके बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ अगर जो आपको कंटेंट बनाना हो और आपको अगर जो कोई मल्टीपल च्वाइस वाला क्वेश्चन बनाना तो कैसे बना। क्लियर सबको यहाँ तक? यानी कल हमने आपको क्या क्या बताया था इसमें से कि आपको क्या करना हो, पैराग्राफ ग्रुप के माध्यम से पहले तो आपको कंटेंट कोई बनाना हो। जैसे हम कोई लेसन लिख रहे हैं तो उस लेसन के अंदर भी कोई टॉपिक हो, इसके बारे में हमने आपको बताया था। और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 ऑप्शन, ऐसे बनाने के लिए कल आपको बताया। तो कल सभी लोग बना लिए थे ना? हाँ। और आज कुछ इसी पैराग्राफ ग्रुप में कुछ ऐसे ऑप्शन जो कल हम लोग नहीं पढ़े थे तो आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ला लिए, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तो लगभग ये जो ऑप्शन दे रहे इधर 3 और ये और इधर ये एल आई, ये हो गया था ना। इसके आगे जाए तो ये दे रहा है इंडेंट। तो इंडेंट लगभग आप लोग पहले से ही पढ़े हैं। इंडेंट का मतलब क्या कि आपको सारा पैराग्राफ किधर लेके जाना है, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ यदि आपको राइट साइड में लेके जाना है तो राइट इंडेंट पे क्लिक, और यदि लेफ्ट में लेके जाना हो तो लेफ्ट हो जाएगा ना। और उसके आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे मार्क का, यानी कि आप डायरेक्टली सीधा किधर लेके जाना चाहते हैं, लेफ्ट, और इधर डायरेक्टली लेके आना चाहते हैं, हो जाएगा ना। यानी कि लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट और राइट करेंगे तो, और इसी आप हम बताए थे शेडिंग कलर, क्या बताए थे शेडिंग कलर। तो हमने एक आपको उदाहरण दिया था, यदि आप हाईलाइट कलर यहाँ से इस्तेमाल करते, देखिए जितना दूर पैराग्राफ है जितना दूर लाइन है सिर्फ वही हुआ है, बाकी और कोई बैकग्राउंड कलर नहीं हुआ है ना। लेकिन हम चाहते हैं जितना दूर टेक्स्ट है ये उतने दूर सारा बैकग्राउंड ही कलर हो जाए, बाकी और कहीं कलर ना हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शेडिंग। देखिए उतना दूर सारा हुआ है, दिख रहा है सबको ना। अब हम ये एलो क्यों लिए हैं, क्योंकि एलो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे जाएगा, आ रहा समझ में ना। जो कलर आपको लेना है आप यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर, तो बीच में आप लोग देखेंगे कुछ कुछ एलो दिखाई देगा, क्योंकि ये येलो इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमने क्या किया है येलो। अब सारा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें। और जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बॉर्डर का, किसका बॉर्डर, मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आप जो टेक्स्ट लिखे हैं ना इसको बॉर्डर के अंदर रखना, तो कैसे बॉर्डर लगाना है, सिर्फ क्या बॉटम, बॉर्डर तो लगा है लेकिन कहाँ लगा है, सिर्फ नीचे बॉटम। चलिए पहले हम शेडिंग कलर के यहाँ से हटा दें। अब नीचे देखिए बॉर्डर लगा है ना, आपको नीचे बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर है ये। आप जाइए और यहाँ से कर दीजिए टॉप, अब देखिए आपको टॉप पर भी बॉर्डर लगा हुआ दिखाई, क्या पहले इधर था, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए, बॉर्डर पे जाके इसको हटा के आप कर दीजिए कहाँ, लेफ्ट साइड में। देखिए किधर बॉर्डर लगा है, आपको चारों तरफ लगाना है, तीन पे आपको मिलेगा क्या आउटसाइड बॉर्डर, क्या चारों तरफ बॉर्डर लगा है, जहाँ देखिए दिख जा रहा है ना। यदि यही बॉर्डर आपको सब में लगाना है पूरे पैराग्राफ में, बस आप यहाँ से जाके कर दीजिए ऑल बॉर्डर, यानी कि जैसे आपको बॉर्डर लगाना है बस यहाँ से सेलेक्ट। देखिए एक एक पैराग्राफ एक एक बॉर्डर के अंदर आया कि नहीं आया, आया है ना, तो ऐसे बॉर्डर लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और बॉर्डर के पास जब आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे सॉर्ट, क्या दिखाई देगा सॉर्ट। सॉर्ट क्या है कि यदि हम क्या करना चाहते हैं, कोई जैसे आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग सुने हैं, आरोही और अवरोही, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम, यानी कि चलिए हम कंट्रोल एन किए और यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े इसमें, अब क्या जानना हम लोग को सॉर्ट। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं अल्फाबेट, यानी कि पहले सी उसके बाद से बी, इंटर करते जा रहे हैं ताकि अलग अलग लाइन में आता जाएगा। इंटर करने से क्या होता है लाइन चेंज हो जाता है, तो इंटर कर तो अलग लाइन चेंज हो रहा है ना, तो पहले वाली लाइन में हमने लिखा सी बी डी ए एफ ई एच जी, तो क्या ये अल्फाबेट के क्रम में है, नहीं है ना। हमको चाहते ये कि ए बी सी डी के क्रम में टोटली ये आ जाए, तो आप कंट्रोल से सबको क्या कर लीजिए, और आपको कहाँ जाना होगा सॉर्ट। जब आप सॉर्ट में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पैराग्राफ,
और यहाँ दिखाई देगा टेक्स्ट, और यहाँ दिखाई देगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। ध्यान दीजिए, ये जो पैराग्राफ है ना, तो ये लाइन बाय लाइन तो है ना, इंटर करते गया पैराग्राफ चेंज होता गया। ऑटोमेटिक क्या सपोर्ट किया है, पैराग्राफ। हेडिंग होता तो हम क्या ले लेते, हेडिंग, और अलग अलग फील्ड में डिवाइड किए होते तो हम अलग अलग फील्ड ले लेते, लेकिन पैराग्राफ है तो क्या ले ले यहाँ से, पैराग्राफ। आगे जब जा ऑटोमेटिक क्या सपोर्ट किया यहाँ पे, टेक्स्ट। जैसे क्लिक है तो आपको दिखेगा नंबर है कि कोई डेट है, तो नंबर टाइप किया तो क्या आता है, नंबर, और यदि डेट टाइप किया तो क्या आता है, डेट। लेकिन हम यहाँ से क्या लिए हैं, टेक्स्ट, क्या आ रहा है, टेक्स्ट। तो अब इस टेक्स्ट में आपको क्या रखना है, असेंडिंग की डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। असेंडिंग करेंगे तो ए टू जेड के क्रम में जाएगा, और अगर डिसेंडिंग करेंगे तो जेड टू ए के क्रम में आएगा, यानी कि जेड एक्स ऐसे करके पीछे क्रम में चलता है। हम चाहते हैं बिल्कुल क्रम में जाए, हम असेंडिंग रखे, और असेंडिंग करने से क्या कर दिए, देखिए यहाँ पे आया ए बी सी डी ई एफ जी। आप लोग एबीसीडी पढ़ ले जाएंगे ना, कितने लोग एबीसीडी पढ़ ले जाएंगे, जेड तक लिखा गया है एबीसीडी यहाँ पर ना, कहाँ तक लिखा गया है, एच। और यही अगर हम उल्टा करें, डिसेंडिंग करें तब क्या होगा, तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करिए, शॉर्ट में आइए, और असेंडिंग घटा क्या करिए, डिसेंडिंग, और यहाँ कर दीजिए। अब देखिए पहले क्या आया है, एच जी एफ ए डी सी बी, हो जाएगा ना। चलिए ऐसे वाले नहीं समझा रहा आप लोगों को, तो थोड़ा सा हम करते क्या यहाँ पे, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, कुछ पैराग्राफ कर दिए, ब्रैकेट को क्लोज, और क्या कर दिए यहाँ से, पहले पहले नहीं बताओ, और इंटर कर, तो कितना पैराग्राफ आ गया यहाँ पर, एक ही आया जी। चलिए हम यहाँ से ले, कितना टाइप कर यहाँ पे, 20 पैराग्राफ, और ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज, और क्लोज करने से क्या कर दिए, तो 20 पैराग्राफ आ गया है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब सब में हमने क्या किया, यहाँ से कुछ नंबर टाइप कर, इस वाले पैराग्राफ के सामने हमने टाइप कर दिया 4, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 6, और उसका साथ यहाँ पे हमने टाइप कर लिया कितना, यहाँ से हम टाइप कर देते हैं 2, और 2 के बाद से नीचे आकर हम यहाँ टाइप कर दिए कितना, 3, और नीचे आकर हम यहाँ कर दिए 1, और इसके नीचे हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 5, और इसके नीचे कितना, 7, और उसके बाद से 6। चलिए ये यही तक है ना, हम यहाँ पे बस 7 6 ऊपर लिखे हैं क्या हम लोग, चलिए 6, यानी कि हम लोग कहाँ तक लिखे हैं, 7 पैराग्राफ। तो क्या ये आपको सीरियल नंबर से दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर से है, ऐसे नहीं समझा था। हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से कर दे रहे हैं बोल्ड, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिए, और थोड़ा सा बोल्ड कर, पूरे पैराग्राफ के सामने यही है ना, और डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे सब पे यही अप्लाई कर। आप पहचान में आ जा रहे हैं नंबर ना, तो क्या अब आपको ये सीरियल नंबर के क्रम में दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर कब दिखाई देगा, जब 1 2 3 के क्रम में रहेगा तब। तो जितना पैराग्राफ दिया गया आप उतना पैराग्राफ पहले क्या कर लीजिए, उतना पैराग्राफ हम यहाँ से क्या कर लिए, और सेलेक्ट करने वाले कहाँ जाएंगे, शॉर्ट। तो जैसे शॉर्ट में गए तो हमको क्या करना है, नंबर को करना है ना, तो टेक्स्ट को हटा हम यहाँ से क्या कर लेंगे, नंबर। और आपको असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, असेंडिंग और ओके। जैसा मैं असेंडिंग और ओके, देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 आया है, क्या इसके पहले ऐसे था। और डिसेंडिंग करेंगे तब शॉर्ट में गए, डिसेंडिंग किए, और यहाँ से नंबर ले लेंगे क्योंकि नंबर है, तो नंबर, और यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए क्या आया है, पहले 7 6 5 4 2 और, हाँ बिल्कुल पैराग्राफ ही चेंज हो, उसके सामने ही तो है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले पे आपका क्या दिया है, रीडिंग इज आइजर, दिख रहा है ना। दूसरे पे क्या दिया है, थिम्स एंड स्टाइल। चौथे पे क्या दिया है, सेव टाइम, हम पूरा सेलेक्ट कर लिए। सातवें टू में दिया है ना, और कहाँ चले गए, शॉर्ट में असेंडिंग किए, और असेंडिंग करने से क्या कर दिए, ओके। तो देखिए पहले क्या था, रीडिंग इज आइजर था ना, थिम्स एंड स्टाइल था ना, 7 टाइम था ना, और लास्ट वाले में क्या था, टू मेक्योर, हो जाएगा।
यानी कि जहां वो जाएगा अपने साथ ही लेके जाएगा पूरे पैराग्राफ को, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और जस्ट आपको यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा सो एंड हाई, क्या दिखाई देगा? सो एंड हाई, तो इसका बहुत कम ही प्रयोग होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग, प्रयोग कम होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता है कब? जब हम आपसे ये कहें कि आपने ये सारा एक पैराग्राफ को टाइप किया, कि कॉल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिन, तो कम ही पैराग्राफ आ गया ना। चलिए स्पेस कम करना सबके बीच का, तो कंट्रोल ए किए और यहाँ से स्पेस हम क्या कर लिए, कम। अब दिख रहा है पूरा पैराग्राफ ना, तो आप इसमें कहाँ कहाँ इंटर किए, कहाँ कहाँ स्पेस लगाए और कहाँ कहाँ टैब बटन का इस्तेमाल किया, आप थोड़ा सा हमको बता दें, बता पाएंगे इसमें? हाँ हर वर्ड के बाद स्पेस किए हैं हमें, आप यहाँ बताइए हम कहाँ स्पेस बटन का इस्तेमाल किया और कहाँ टैब बटन का इस्तेमाल किया, बताइए, बता पाएंगे? नहीं। उसके लिए बस एक सिंपल तरीका है, इसको ऑन कर दीजिए सो एंड हाइट, इसको ऑन कर दीजिए सो एंड हाइट। अब ऑन हो गया है ना, तो अब आप देखेंगे तो जहां पे पाई जैसा आपको सिंबल दिखाई देगा कि आपका इंटर का सिंबल, किसका सिंबल है? इंटर का, यानी कि जहां भी आप इंटर करेंगे देखिए ऐसे सिंबल बनता जाएगा, दिख रहा है ना, क्या दबा रहे हैं आप? स्पेस के लिए दिखा दर्शाता है डॉट, क्या दर्शाता है? डॉट, यानी कि आप जितना स्पेस करेंगे उतना डॉट बनता जाएगा, दिख रहा है ना। और टैग के लिए दर्शाता है एरो, आप जितना जहां जहां टैब बटन दबाएंगे वहां वहां आपको एरो बटन दिखाई दे सकते ना, और इसको हाइड कर देता, अब आप बता पाएंगे? बता पाएंगे? नहीं। इसका इस्तेमाल पता है कब होता है? अक्सर आपने जो डॉक्टर टाइप किया हो और आप ये लिखा गया हो कि आप यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे क्या किए हैं, स्पेस है, टैब का इस्तेमाल, तो बताने के लिए बस सिंपल तरीका है, आप इसको यहाँ से क्या कर लीजिए सो एंड हाइड को, इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल के साथ स्टार बटन, कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाई देता है ना, तो कौन सा, यानी कि आपको दबाना इधर वाला नहीं है जो आपको न्यूमेरिक की पैड में दिखाएगा, दिख रहा है सबको ना? ओके थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे, अब दिख रहा है सबको, यानी कि यहाँ से आपको जो बटन दिखाई देगा ना ये नहीं दबाना, बल्कि आपको एट वाले बटन एक मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाई देगा, किसमें दिखाई देगा? एट वाले। चलिए यहाँ पर लेके आते हैं कीबोर्ड, विंडो आर ओ एस के, दिख रहा है सबको ना? तो अब इस कीबोर्ड में देखिए आपको एट वाले बटन के पास जैसे शिफ्ट बटन दबाएंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल दिखाई, दिख रहा है ना, तो आपको यही लेके आना है, सिंपल आप कंट्रोल सा दबाएंगे ये काम करेगा, नहीं आपको क्या लेना होगा, वैसे कंट्रोल सा करेंगे सिर्फ एट आएगा, लेकिन आपको अगर ये लाना किसके साथ दबाएंगे, तो जब आपको जब जाएंगे तो जो न्यूमेरिक की पैड की तरफ मल्टीप्लाई दिया ये नहीं दबाना है, आपको कौन सा दबाना है, ये वाला, बस क्या करिए आप कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाइए और स्टार का सिंबल क्लिक कर दीजिए, अभी आप थोड़ा सा देखेंगे तो अभी ऑन है, ऑन दिखाई दे रहा है ना, बस स्टार के सिंबल पे क्लिक कर दीजिए, ऑफ हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई का सिंबल, ऑन हो गया, क्लियर है सबको ना? तो नोट कर लीजिएगा सो एंड हाइट का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ एट बटन, या एट नहीं लिखेंगे तो सिर्फ मल्टीप्लाई लिख लीजिए कंट्रोल और मल्टीप्लाई का सिंबल, हो गया, हो गया जी, नोट हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए हम लोग, अब ये पैराग्राफ ग्रुप में कोई ऐसा ऑप्शन जो आप लोग को लग रहा है कि नहीं हमको नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं सबको दिख जाए, बता दीजिए आप लोग पैराग्राफ ग्रुप में कोई भी एक ऐसा ऑप्शन, पैराग्राफ ग्रुप यही है ना बस, यहां से लेकर के और ये सारा, एक बार रिपीट कर देना, देख लीजिए किसके लिए हमने बताया, बुलेट के लिए और ये नंबर के लिए और ये मल्टीपल नंबर के लिए, ये टेक्स्ट को किधर करने के लिए, लेफ्ट साइड में, सेंटर में, राइट साइड में, जस्टिफाई करने के लिए और ये स्पेस को कम और ज्यादा करने, फिर आगे हमने बताया ये इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि राइट साइड में लेके जाने के लिए और लेफ्ट साइड, फिर आगे हमने आपको बताया क्या
यदि आप अलाइनमेंट लेफ्ट रखना चाहते हैं तो लेफ्ट रखिए, और अलाइनमेंट राइट कर रखना चाहते हैं तो राइट। फिर आगे हमने आपको बताया सॉर्ट करने के लिए कि आप कहीं भी लिख रहे हैं तो आपको कहा जाए, जैसे आप लोग मैक्सिमम फॉर्म भरते हैं ना तो वो अल्फाबेट के क्रम में ही आता है, पहले ए नाम ए से व्यक्तियों का नाम आएगा, फिर बी वालों का नाम आएगा, फिर सी वालों का नाम आएगा, ऐसे ही होता है ना। तो आप ऐसे अल्फाबेट रखना चाहते हैं तो किसमें आएंगे सॉर्ट, और वो जो शेडिंग कलर आपको पूरा बैकग्राउंड कलर करना हो तो शेडिंग कलर, और बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर, और सो एंड हाइट हमने बता दिया कि जब आपको दिखाना हो कहाँ इंटर है, कहाँ स्पेस है और कहाँ टैब, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे सो एंड हाइट, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए अगला हमको दिखाई देता है इसमें हमारा ग्रुप कौन सा, स्टाइल। स्टाइल का ध्यान दीजिए, स्टाइल का प्रयोग बस यही है कि आपने जो ये पैराग्राफ टाइप किया है ना, इस पैराग्राफ को आपको अलग स्टाइल देना, कैसे सेलेक्ट करिए कंट्रोल ए से और कहाँ पे आ जाइए स्टाइल, आपको कई सारे स्टाइल दिखाई दे, जिस स्टाइल पे लेके यार वैसे चेंज हो रहा है ना, देख रहे हैं सभी लोग, कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना, यानी कि जैसे स्टाइल लेंगे वैसे आप यहाँ से स्टाइल ले, नो स्पेस यानी कि कोई स्पेस नहीं है, कहीं स्पेस आपको दिख रहा है, टाइटल कर दे टाइटल में आपको ऐसे दिखाई देगा, सब टाइटल कर दिए तो ऐसे, और सब टाइटल एलिमेंट कर देंगे तो ऐसे, यानी कि जैसे आप रखना चाहते हो वैसे यहाँ से स्टाइल, ये समझ आ रहा है ना। लेकिन एक चीज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप खुद से कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, और जो भी आपको स्टाइल बनाना है सपोज कि आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज हो गया ना, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट को कलर कर लिया रेड कलर का, दिखाई दे रहा है सबको ना, अब यही आपको एक नया स्टाइल बनाना है तो बस इसी को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाइए और फिर किस पे क्लिक कर दीजिए, क्रिएट ए स्टाइल, क्लियर है सबको ना। जैसे क्लिक करें क्रिएट स्टाइल की तो पूछेगा कि आपके स्टाइल का क्या नाम होना चाहिए, आ रहा समझो ना, तो हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे माई स्टाइल, हमने लिखा था यहाँ टाइप कर दिया माई स्टाइल, क्या लिख दिया यहाँ पे माई स्टाइल, और माई स्टाइल लिखने वाले हम यहाँ से क्या कर देंगे, तो देखिए एक माई स्टाइल नाम से यहाँ जुड़ गया है ना, दिख रहा सबको। अब आपको यही इस वाले पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, नीचे वाले पे बस सेलेक्ट करिए और चले जाइए यहाँ से माई स्टाइल वाले, क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि आप खुद से भी एक स्टाइल यहाँ से क्रिएट कर, हो जाएगा, क्लियर है ना। अब इसका प्रयोग पता है कब करेंगे, जब आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें पेज की संख्या ज्यादा है, लगभग 100, 200, 300, 400 ऐसे पेज की संख्या है, और आप ऊपर जो स्टाइल दिए ना वही आपको पहले नंबर पेज या 200 नंबर पेज, आप जब पहले पेज पे जाएंगे फारूक सेंटर देंगे फिर 200 नंबर पेज का तो अप्लाई कर तभी कर पाएंगे ना, फारूक सेंटर का यही काम है, तो आप उससे बेटर क्या करिए, एक बार एक पहले कर, और जहाँ भी आपको करना होगा बस आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और होम टाइप के स्टाइल में जाइए, और इतना आसानी से आप क्या कर लीजिए हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा। अब जैसे इससे आगे आप जाएंगे फाइंड और रिप्लेस, तो फाइंड और रिप्लेस आप लोगों को पता हो, पता है ना, नहीं पता होगा तो मुर्गा बना दे, क्योंकि आप लोग पढ़े नोट पैड में और वर्ड पैड में दोनों में पढ़े, याद आ रहा है फाइंड का मतलब क्या होगा, ढूंढना या सर्च कर, और रिप्लेस का मतलब क्या होगा, एक टेक्स्ट के बजाय कोई दूसरा टेक्स्ट रखना, क्या करेंगे रिप्लेस, ये दोनों क्लियर है ना। अब जैसे हम जाएंगे स्क्रीन से आपको दिखाई देगा सेलेक्ट, क्या दिखाई देगा आपको सेलेक्ट ऑल करना है तो सेलेक्ट कर दीजिए सारा सेलेक्ट हो जाएगा, उसी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिर सेलेक्शन चेंज का, किसका सेलेक्शन, तो ये कब काम करेगा कि जब आप कोई शेप लेंगे तो चले जाएगी इसमें रिसॉर्ट, और आपको ये भी दिखाई देगा शेप है, दिख रहा है ना, शेप लेके आ रहा, और भी कोई शेप ले लीजिए दूसरा कोई, और यहाँ ड्रा कितना शेप लिया अभी, अब इन दोनों शेप में से किसी एक को हाइड कर, क्या करना है हाइड कर, तो
आप सेलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्शन पेन पे क्लिक, तो आपका एक कोयल सिल दिख रहा है जो ये सेलेक्ट हो गया है ना, दूसरा आपका एक पेनल सिल दिख रहा है जो ये सेलेक्ट हो गया। तो आपको हाइट कौन सा करना है, दोनों करना है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाइट आर क्लिक कर, दोनों हाइट हो गया है ना, सो आर करें दूसरा क्या होगा, आपको एक करना है, आपको एक में दिखाई देगा हाई जैसा सिंबल यानी कि एक आंख बना पड़े, बस कर दीजिए आप हाइड हो गया, ऑन कर दीजिए पुनः आ जाएगा, दिख रहा है ना, नीचे वाले करना है बस इसकी आंख को बंद कर, हाइड हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, और पास आगे बढ़े हम लोग। तो अब होम टैब में जो भी ऑप्शन दिया है सारा हो जाएगा ना, होम टैब के पास क्या आता है इंस्टॉल, अगर जो एक से हम आप लोग को बता दें ये, अगर जो होम टैब इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब, आप लोग ये टैब अगर जो मन से पढ़ लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं मन से अगर पढ़ लेते हैं, हम पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग कि कोई अगर जो बैनर बनाना हो नॉर्मल जैसा तो बना सकते हैं, और कितना भी प्रोफेशनल के प्रोफेशनल तरीके से आपको ग्रुप बनाने के लिए कह दिया जाए तो भी आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उनका जब अच्छे पढ़ेंगे आ रहा समझे ना, ये समझा रहा है। तो चलिए अभी हम आते हैं किसमें, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेज का ग्रुप, किसका दिखाई दे रहा है, और इसी पेज में आपको ऊपर दिखाई देगा कवर पेज। तो कवर पेज सबको पता है क्या होता है ना, पता है नहीं पता है? कोई बुक आप लोग देखे हैं, कोई कॉपी देखे हैं, तो पहले आपको कवर पेज ही रहता है ना, उसपे कोई अलग अलग फोटो लगा हुआ दिखाई देता है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है, अलग अलग स्टाइल देता है ना, तो वैसे आपको जो कवर पेज क्रिएट करना है तो आप आ जाएंगे इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब के किसमें, कवर पेज, दिख रहा है सबको ना, कवर पेज में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको बने हुए कई सारे यहाँ पे टेम्पलेट दिखाई देंगे, ये पहले से बने बनाए हुए सिस्टम में है जो आप यहाँ से ले सकते, दिख रहा है ना। सपोज के लिए कि आपको लग रहा है नहीं हमारे पेज का कुछ कवर ऐसे होगा, दिख रहा है सबको ना, क्लिक कर, अब जैसे क्लिक करेंगे ये कवर पेज आपके पेज में आ जाएगा, दिख रहा है ना। अब क्या आप पूछ रहे हो डॉक्यूमेंट टाइटल, कि आप मेरे डॉक्यूमेंट जो भी बुक बना रहे हैं उसका क्या टाइटल है, क्या नाम है उसका, तो सपोज करिए कि आप इंग्लिश का बुक बना रहे हैं तो टाइप यहाँ पे क्या टाइप कर लेंगे, क्या इंग्लिश, नीचे का रखता हूँ टाइटल, तो आप लोग इंग्लिश में देखे होंगे क्या देता है, इंग्लिश के भी कई सारे लेसन होते हैं, क्या है स्टोरी का है कि कोई लेक्चर है, यानी कि जो भी आप यहाँ पे टाइप कर, कि वो इंग्लिश का बुक तो है लेकिन उसका क्या सब टाइटल है वो हम किस में टाइप कर देंगे, सब टाइटल, यहाँ कह रहा है डेट, किस डेट को पब्लिश हुआ वो डेट यहाँ टाइप कर, यानी कि जो बुक हम लिए हैं वो बुक किस डेट को पब्लिश होगा या किस डेट को पब्लिश हुआ वो हम यहाँ पे डेट डेट टाइप कर, हो जाएगा ना। और उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे आपको दिखाई देगा कंपनी ने, किस कंपनी ने इसको ऑथराइज किया है, किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, जैसे आप लोग कई सारे प्रकाशन देखे होंगे राजेंद्र प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन, ये सभी प्रकाशन है कि नहीं है, तो जो भी आपकी प्रकाशन है आप यहाँ पे टाइप कर, हो जाएगा ना। लेकिन हम ये कहिए तो बना बनाए वो टेम्पलेट आ गया, ये तो पहले से बना था ना, लेकिन हमको खुद से बनाना हो तो क्या करें, क्या करना हो खुद से बनाना हो कोई कवर पेज तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो चलिए हम एक नया पेज ले लेते, नया पेज आ गया ना, एक नॉर्मल तरीके से बस हम आपको बना के दिखा रहे हैं कवर पेज, आपको जाना होगा इनसॉर्ट टैब, इसमें इंसॉर्ट टैब, तो इंसॉर्ट टैब में अभी हमने आपको बताया सेफ इंसॉर्ट कराने, अभी जस्ट बताया है ना, तो यहाँ से क्या ले लेंगे कोई भी, ठीक कोई नहीं, अगर हम चाहते हैं ये करो जो बना सके तो हम पहले लेंगे यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल, क्या लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे ड्रा, दिख रहा है सबको ना। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको बना कर दिखा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले पेज को जूमिंग को कर लेते हैं कम ताकि पूरा पेज दिखाई, अब पूरा पेज दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, अब आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है नीचे से लेकर के और ऊपर तक, यानी कि हमारा ये पेज है और ये एक कवर पेज हमको डिजाइन कर,
दिख रहा है सबको ना? तो बस अब आप क्या करिए, इसको आप आ जाइए और यहीं पे देखिए आपको एक येलो पॉइंट दिखाई दे, दिख रहा है सबको येलो पॉइंट सेब के पास? तो इसका काम क्या होता है कि जो भी आप सेब लिए हैं ना, इस सेब में आपको अलग थोड़ा सा डिजाइनिंग करना है क्या, आप थोड़ा सा येलो पॉइंट पे क्लिक करिए और बाहर की तरफ लेके जाइए, कॉर्नर का बिल्कुल स्ट्रेट हुआ कि नहीं हुआ, और अंदर की तरफ लेके आइए, राउंड हुआ, ये किससे हो रहा है, येलो पॉइंट, यानी कि अंदर की तरफ करेंगे तो राउंड होगा और बाहर की तरफ करेंगे तो स्ट्रीट कॉर्नर का, दिख रहा है सबको ना? तो राउंडेड सही है ना? राउंडेड ले लिए, और राउंडेड लेने के बाद से हम सेब को यहाँ से क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पतला, और यहाँ पे लेके आ गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ऊपर एक छोटा सा कुछ ऐसे कर्सर दिखाई देगा, राउंड जैसे दिख रहा है ना? तो राउंड वाले में जब कर्सर लेके आए तो ऐसे कुछ कर्सर हमारा बन जाएगा क्लॉक वाइज घुमाने के लिए, दिख रहा है सबको ना? अब इस शेप को आपको जैसे रोटेट कराना, बस सेलेक्ट करिए माउस का लेफ्ट वाला बटन, वहीं पर होल्ड किए रहना है, और जैसे आपको रोटेट कराना वैसे रोटेट करा, दिख रहा है? तो कुछ है, ऐसे हम रोटेट किए और रोटेट करने वक्त हम यहाँ अलग लगा शायद, को क्या कर ले थोड़ा सा, हो गया है ना? ये यहाँ तक समझा रहा कैसे बना है? एक बार और रिपीट कर रहे हैं ना, इस समझाए, एक बार ध्यान दीजिए, इस बार पहले हम कहाँ गए हैं, इंसर्ट, और इंसर्ट आए के बाद से अब देखिए रेक्टेंगल लेंगे से तो उसके कॉर्नर को हम नहीं मोड़ सकते, कहीं येलो पॉइंट इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? लेकिन यही अगर जो हम क्या किए, इंसर्ट में गए, शेपेस में, और यहाँ से ले लिए कौन सा, राउंडेड रेक्टेंगल, क्लिक किए राउंडेड रेक्टेंगल पे और यहाँ ड्रा कर ले, तो क्या अब आपको येलो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना? तो इस येलो वाले पॉइंट को किधर करना है, अंदर के, किधर करना है, अंदर, और अंदर करने वाले इसे क्या क्या कर लेंगे, थोड़ा पतला करके यहाँ से ड्रा कर लेंगे, रोटेट करा लेंगे, हो जाएगा? और फिर अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे और इधर साइड में ला करके लगा, हो जाएगा ना? अब आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है एक में कर लेना क्या, तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ना इस वाले स्टेप को, तो आपको एक नया टैब दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा सा बाहर क्लिक करते हैं, सेव का सिलेक्शन हट जाएगा ना? तो अब आपको फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए, अब इसमें आपको फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है, लेकिन यही है यदि हम सेव को सेलेक्ट करेंगे आया फॉर्मेट टैब ना, तो इस फॉर्मेट टैब का काम क्या होता है कि जो भी आपने ये सेव लिया है ना, इस सेव में आपको किसी प्रकार की चेंजिंग करनी है, कोई डिजाइन करना है, अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपसे फॉर्मेट टैब दिख रहा है सबको ना? अब देखिए आपको ये कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, कलर चेंज करना होगा जाहिर सी बात है, तो उसके लिए किसमें आएंगे आप, फॉर्मेट, तो आपको दिखाई देगा आपने सेम ठीक कलर चेंज कर दिया, जो कलर रखना दिख रहा है ना? तो कलर जैसे चेंज किया क्योंकि आपको आउटलाइन दिखाई दे रहा है बाहर वाली, दिख रहा है ना? तो बाहर वाली लाइन चेंज करना है, बस सेलेक्ट करिए और किसमें आइए, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जो बस जस्ट सेम के नीचे आपको क्या दिखाई देगा, आउटलाइन, तो आउटलाइन के यहाँ से हटा दीजिए, नो आउटलाइन, बस एक कलर तो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको? डुप्लीकेट बनाने के लिए बताए थे आप लोग, याद आ रहा है, कंट्रोल के साथ सी, जब ए टू जेड शॉर्टकट के पढ़ाई तो बताए थे, सेम को डुप्लीकेट करो क्या करेंगे, बस आप कंट्रोल डी करिए और जस्ट इसको अपने आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके ऐसे लगाते हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा अभी हम आपको थोड़ा सा बता दें, ऐसे क्या कर लेंगे सबको एडजस्ट कर, दिख रहा है सबको ना? लेकिन ये सारा कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, तो अब अलग अलग कलर करना है आपको, तो जिसको अलग कलर करना है बस उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके कहाँ जाइए, पर सेफ्टी, चलिए पहले को हमने कर लिया ग्रीन, पहला ग्रीन हुआ है ना, दूसरे को सेलेक्ट किए सेफ्टी में जाके क्या कर लिए इसको, इसको सेलेक्ट किए सेफ्टी में गए इसको कोई दूसरा, इसको सेलेक्ट किए सेफ्टी में गए और इसको कोई दूसरा, इसको सेलेक्ट किए सेफ्टी में गए और इसको कोई दूसरा, और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं कोई दूसरा,
अब सही दिख रहा है, अब बेटर लग रहा है जी। अब आप में आप इसमें थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या? तो बस आप इंसर्ट में जाइए, शेप में, और आपको ये पे दिखाई देगा लाइन, क्या दिखाई देगा? लाइन। बस आप शिफ्ट के साथ जो है इसको ड्रा कर लीजिए, इतना तो पता होगा, शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे तो सीधा आएगा ना, ये पता है आप लोगों को ना। तो बस आप इसको ड्रा कर लीजिए और कंट्रोल साथ कई सारे डुप्लीकेट बना लीजिए, बन जाएगा ना। और बनाने के बाद से आप जगह जगह क्या कर लीजिए, लगा लीजिए जहां जहां लगाना हो। चलिए हम यहाँ लगा दिए छोटा सा, फिर कंट्रोल डी किए, और कंट्रोल डी करने के बाद एक हम लगा दे रहे हैं यहाँ आगे। ठीक है, यहाँ छोटा सा, यही ऊपर थोड़ा सा और छोटा कर, दिख रहा है सबको ना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम ऐसे डुप्लीकेट हम इधर कर लिए कि यहाँ पर, और एक डुप्लीकेट कर लिए, एक डुप्लीकेट कर लिए यहाँ पर, और एक और बड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं हम आगे थोड़ा, दिख रहा है सबको। अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मेटिंग करना है, तो बस जाइए इंसर्ट में, शेप में, और शेप में जब नीचे जाएंगे तो आपको कई तरह स्टार दिखाई दे, दिख रहा है ना, बस स्टार को इसके ऊपर ड्रा कर लीजिए थोड़ा सा अपने आवश्यकता अनुसार, इसको क्या कर लें थोड़ा सा एडजस्ट कर, हो गया है, दिख रहा है जी। और फिर आगे क्या करेंगे हम यहाँ से, और कंट्रोल डी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी इसको सेलेक्ट करके यहाँ कर लेंगे जस्ट इसके सामने, हो जाएगा ना। फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी और इसके सामने सेलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, कंट्रोल डी और इसको भी लेके आ जाएंगे इसके सामने, कंट्रोल डी और इसको भी यहाँ, हो जाएगा ऐसे, बन जाएगा ना। तो अलग अलग कलर कलर का आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए हम इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके फॉर्मेट में गए, और सेव फिल्म इसका कुछ अलग कलर, आउटलाइन का आप लोग हटा ही नहीं तो बेटर रहेगा, क्यों सही है ना। इसको सेलेक्ट किए और इसके हम फिल कलर को कर देते हैं रेड, और रेड करने के बाद से हम आउटलाइन को क्या कर दिए, इसको सेलेक्ट करके हम कर दिए कोई दूसरा कलर, और आउटलाइन को क्या कर दिए, जैसे आप नो आउटलाइन करेंगे और कलर करेंगे सब कुछ अलग ही फिर दिखाई, अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा, दिख रहा है जी कुछ। आप लोग चाहे तो थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, नीचे क्या थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे इससे थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब आप क्या करिए, इंसर्ट में जाइए, सेपेस में एक लाइन लीजिए, और बिल्कुल सेंटर में जो है शिफ्ट के साथ नीचे का थोड़ा सा बड़ा ड्रा, सेंटर में दिख रहा है ना। हाँ ज्यादा बड़ा की इसको क्यों, फिर आप शेप में जाइए और एक आप ले लीजिए ओयल शेप, यानी कि बिल्कुल राउंड वाला, और यहाँ पे क्या कर लीजिए आप शिफ्ट सा ड्रा कर, दिख रहा है सबको, इतना बड़ा नहीं रखना है, बस छोटा ही रखेंगे, सही है ना। अब इसे आपको क्या करना है, आउटलाइन को आप पहले सेलेक्ट करिए, और इस आउटलाइन को मोटा करना है ना, आप जाइए किसमें, आउटलाइन, और ये दिखाई देगा विथ, इसको क्या करिए थोड़ा सा, और यहाँ पे आप क्या करिए राइट क्लिक, और जब राइट क्लिक किस पे, सेल पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, एडिट एड टेक्स्ट दिखाई देगा, एड टेक्स्ट में जाइए, और किस क्लास के लिए बना रहे हैं आप ये, सपोज करिए क्लास 5 के लिए, तो 5 टाइप करिए सेलेक्ट करके, और होम टाइप से साइज को क्या कर लीजिए बड़ा कर, होल्ड करिए, और टेक्स्ट कलर को कर दीजिए रेड, और इस सेव सेव फिल को आप कर लीजिए यहाँ से फॉर्मेट में आके येलो, और आउटलाइन कर दीजिए नो आउट, दिख रहा है। अब किस चीज का भी सब्जेक्ट है ये, बस आप करता रखिए और उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए, कई कवर पेज के जैसा दिख रहा है, अलग स्टाइल बन जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कैसा डिजाइन आ रहा है, और आप कैसा अलग अलग शेप लेकर के डिजाइन बना रहे हैं, क्या
बार ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने क्या किया होगा, जो कोई यहाँ पे शेप ले रहा है ना, कोई भी शेप हो ड्रा करते, इसके ऊपर कितना भी लिखने की कोशिश करें हम नहीं लिख पाएंगे, कब तक कि जब तक हम इसमें एड अटैच नहीं करेंगे तब, तो उसके लिए बस इस पे राइट क्लिक करें, जो शेप है ना शेप पे कर्सर को लेके आएंगे और यहीं पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, तो आपको यहीं ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा एड टेक्स्ट का, यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट को ऐड करना है, इस पे क्या करेंगे क्लिक, आपको जो भी लिखना बस टाइप करनी, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए GIT, और GIT लिखना बस सेलेक्ट किए, छोटा सा लिखा गया बिल्कुल सेंटर में, सेलेक्ट करके और यहाँ से साइज को क्या कर लिया बड़ा कर, हो जाएगा ना, जितना बड़ा करना हम यहाँ क्या कर सकते हैं आसानी से बड़ा कर, हो जाएगा, अब कोई दिक्कत इसमें, अब आप इसको जहां छोटा बड़ा करके रखना चाहते हैं वहां छोटा बड़ा करिए, और जहां रखना चाहते हैं वहां रख, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, आप लोग चाहें तो चले जाइए इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद से, और जब नीचे आएंगे ना तो आपको कई सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, ये यहाँ दिख रहा है, ये हम सेलेक्ट किया और यहाँ ड्रा कर दिए इस प्रकार, यहाँ नीचे कर, और नीचे करने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके यहाँ क्या कर लिए किस सब्जेक्ट का है, चलिए हम यहाँ इंग्लिश ही टाइप कर ले रहे हैं, ENGLI सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके इसके साइज को हम होम टैब से क्या कर दिए बढ़ा दिए, होम टैब में गए और साइज को क्या कर दिए यहाँ से बड़ा कर, और यहाँ से थोड़ा सा क्या कर दिए बोल्ड, हो गया है ना, आपको सेव कलर करना है तो बस कहाँ आ जाइए फॉर्मेट सेव पिक, और जो कलर लेना जैसे येलो लेना चाहते हैं, दिख रहा है सबको ना कौन सा कलर हो, ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक सही है, यानी कि जो कलर आपको लेना, चलिए हम रेड ही ले लेते हैं, अब क्या आपको सही दिखाई दे रहा है, एक कवर पे बन जाएगा, सब लोग बना ले जाएंगे ना, अभी अपने ऊपर डिपेंड करता है, हमने तो बस नॉर्मल बना के दिखा दिया, अभी आप लोगों के ऊपर और आप लोगों के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बेटर तरीके से कवर पेज बना रहे, बन जाएगा ना, क्या कुछ इसी प्रकार से कवर पेज बनाना हो तो बन जाएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा, तो आज के लिए बस इतना ही।